रायसेन के ऐतिहासिक किले की मदागन में डूबने से एक बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालक अपने छोटे भाई और दोस्त के साथ किले पर घूमने जाने का कहकर गया था। रायसेन के ऐतिहासिक किले की मदागन में डूबने से एक 17 साल के नाबालिग बालक समीम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि समीम अपने छोटे भाई और पड़ोस में रहने वाले एक दोस्त के साथ रायसेन किले पर घूमने गया था और पैर फिसलने से मदागन में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं मोहम्मद शाहिद ने बताया कि परिवार वालों को खबर मिली कि आपका बच्चा मदागन में डूब गया है। 2-3 लोगों ने उसको बाहर निकाल लिया था, जीप में रख कर अस्पताल लाए। किले पर टांग आए, वहाँ पर ये लोग नहाने गए थे, इतने में घर वालों को पता चला कि लड़के का डूब गए, सब गए ऊपर, तो देखा तो 2-1 घंटे से टांके के अंदर थे, मतलब डूबे पे। फिर वहाँ जी टांके पे जो मदागन है वहाँ डूबे पे मिले। फिर वहाँ के जो 1-2 लड़के थे उनने निकाला, निकालने के बाद बाहर रखा, बाहर निकालने के बाद हम लोग जीप में रख के ले आए, मतलब जीप खड़ी थी अस्पताल ले के आ गए। थाना प्रभारी जगदीश सिद्धू ने बताया कि दोपहर में सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बालक अपने छोटे भाई और एक अन्य दोस्त के साथ रायसेन किले पर घूमने गया था और पैर फिसलने से मदागन में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आइए, दोपहर में मुझे 1 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि किले पे 3 लड़के घूमने गए थे, एक शमीम है, एक उसका छोटा भाई मोइन है और एक मोहल्ले का लड़का था। ये वहाँ पे तालाब के पास गए, मदागन तालाब है ऊपर किले में, वहाँ पे घूमते हुए इनके ये जो शमीम लड़का है बताते हैं कि इसका पांव फिसल गया और उसमें जाके डूब गया है, डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज़, रायसेन।